आप पप्पू की तबीयत तो ठीक है? मम्मी के लिए ही आए और अपने लिए। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। ना मुझे अपनी गलती का एहसास बल्कि अपनी गलतियों का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दो। सॉरी, मैं इस वक्त जरा जल्दी में हूँ। मुझे सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मैंने आने में देर कर दी। मैं समझ नहीं पा रही तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं सिर्फ अपनी गलती की माफी चाहता हूँ। मेरा दिल बिल्कुल साफ। तुम मुझे बताओ, मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई मुनाफ़ा जो मेरे दिल में था तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया? मैं घर छोड़ के वापस नहीं आना चाहती थी, लेकिन अब्बू को इनकार करना नामुमकिन था। मैं इनकार करने का कह भी नहीं रहा अब्बू। अभी भी उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती। फिक्र ना करो, मैं भी मामू की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारी मर्जी जाननी थी, जो मुझे पता चल गई। तुम कहाँ जा रही? मैं पब्लिशर के पास जा रही हूँ। गुड लक। प्लीज मामी, आप मामू से बात करें। जुनेद, मैं क्या बात करूं? तुमने किसी को कोई बात करने के काबिल ही नहीं रहने दिया। मामी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है, इसलिए माफी मांगने आया हूँ। ये तो अच्छी बात है। मामी, मैं आपके साथ ज्यादती हूँ। मम्मी की पसंद मेरी पसंद से हजार दर्जे बेहतर थी। बड़ों के फैसले बेहतर होते हैं और हमारे जज्बाती। आप प्लीज मामू से बात करें। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी वो बहुत गुस्से में। तुमने भी तो इतने महीने ना हमारी खबर ली ना इमाम की। तुम यहाँ? जगुप्ता, इससे कहो यहाँ से चला जाए। अशरफ, आप प्लीज इसकी बात तो सुन ले। तुम्हें इसकी सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। मामू प्लीज। मत कहो मुझे मामू, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। मामू, मैं बीमार। मैं डॉक्टर नहीं हूं। मेरी दोनों बेटियों को बर्बाद करके मेरे घर आते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अगर तुम में जरा सी भी शर्म होती ना, तो किसी गैर के सामने अपनी मामू जात पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाते। मुझे माफ कर दे मामू, गलती हो। ये गलती नहीं है, बेगैरती की है तुमने। और बेगैरत आदमी की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। निकलो यहां से, दफा हो।